हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बायो के लिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 10। चैप्टर नेम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो कोशिका विभाजन होता है या फिर जो पैतृक कोशिकाएं या जो मातृ सेल होते हैं वो संतति कोशिका का निर्माण कैसे करते हैं, या फिर जो उनके अनुवांशिक लक्षण होते हैं या जो गुणसूत्र होता है उसका विभाजन केंद्रक के द्वारा कैसे होता है, ये सारे प्रोसेस में हम लोग देखेंगे एक एक स्टेप करके। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग इसमें देखते हैं कि जो कोशिका चक्र होता है, यानी कि ऐसा कोशिका चक्र वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर के नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका चक्र। यानी कि कोशिका क्या होगा, विभाजित होगा और विभाजित होने के बाद से उसके जो अपने जीनोम होते हैं और जो गुणसूत्र होते हैं उनका द्विगुणन होता है, उनके संघटकों में उनका संश्लेषण होता है और उसके बाद से जो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं वह क्रिया जो होती है वह कोशिका चक्र कहलाती है। यानी कि मातृ कोशिका से लेकर के संतति कोशिका के निर्माण तक का जो प्रोसेस होता है वह कहलाता है कोशिका चक्र। अब देखेंगे बच्चों कोशिका चक्र जो होता है इसमें जो होता है डीएनए का संश्लेषण होता है और डीएनए का संश्लेषण जो है वह कोशिका चक्र का एक विशिष्ट अवस्था होता है, एक स्पेशल स्टेज होता है डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र में। तो बच्चों देखेंगे हम लोग कि कोशिका चक्र जो होता है कोशिका चक्र की कितनी प्रवस्थाएं होती है, तो कोशिका चक्र की मुख्यतः दो प्रवस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था और एम प्रवस्था। अंतरावस्था देखेंगे तो अंतरावस्था जो होता है यह अंतरावस्था एम प्रवस्था की दो क्रमिक अवस्थाओं के बीच में पाया जाता है। इस अंतरावस्था को हम लोग एक तरह से विरामावस्था भी कहते हैं क्योंकि अंतरावस्था जो होता है इसमें कोशिकाएं विभाजित होने के लिए एक तरह से कह लेंगे कि वो तैयार होती है, यानी कि कोशिकाएं विभाजन के लिए प्रिपेयर होती हैं, तैयार होती हैं, इसको हम लोग अंतरावस्था को विरामावस्था के भी नाम से जानते हैं बच्चों। और उसके बाद बच्चों कि जो आपके 24 घंटे का कोशिका चक्र होता है उसमें कोशिका विभाजन मात्र 1 घंटे के अंदर होता है मनुष्य कोशिकाओं में, लेकिन 24 घंटे का जो 95% हिस्सा होता है यानी 95% अवस्था जो होता है वो ज़्यादातर अवस्था आपके अंतरावस्था में ही व्यतीत होता है। तो बच्चों ये रहा आपका अंतरावस्था और अंतरावस्था को हम लोग ने देखा कि इसमें 95% की अवस्था जो होती है वो क्या होती है कोशिका चक्र की अंतरावस्था होती है, बाकी जो 1 घंटा होता है उसमें आपका कोशिका विभाजन होता है मनुष्य की कोशिकाओं में। जैसे कि हम जानते हैं कि ईस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं इसकी कोशिका विभाजन में कम से कम 90 मिनट लगते हैं, और ईस्ट की कोशिकाओं को विभाजित होने में और विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं को बनाने में 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र में होता क्या है कि जो आपकी अवस्थाएं होती हैं इन अवस्थाओं में या कोशिका विभाजन के बाद से या तो नई कोशिका का निर्माण होता है या फिर एक जीव से कोशिकाओं को विभाजित होने के बाद से एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे कि आपकी एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा है, अगर उसकी कोशिका विभाजन हुई तो अमीबा एक कोशिका जीव है, विभाजित होगा तो क्या होगा अन्य नए जीव अमीबा का निर्माण होगा। तो बच्चों इसके बाद से हम लोग देखेंगे अंतरावस्था के बाद से एम प्रवस्था का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद से आगे का हम लोग एक एक अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे अंतरावस्था, उसके बाद हम लोग देखेंगे एम प्रवस्था थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अंतरावस्था मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं। तो एम प्रवस्था में होता है बच्चों कि एम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक विभाजन से होता है, यानी कोशिका का जब केंद्रक विभाजित होता है उस समय स्टार्ट होता है आपका एम प्रवस्था, जो कोशिका केंद्रक विभाजन का हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। तो एम प्रवस्था जो होता है वह केंद्रक विभाजन से आरंभ हो करके समाप्त होता है कहाँ तक आपके कोशिकंद्रक विभाजन में, और इसमें जो आपके संगत संतति गुणसूत्र होते हैं
जो गुणसूत्र होते हैं वो संतति गुणसूत्र जो होते हैं वह पृथक्करण होके मतलब एक दूसरे के समान हो जाते हैं, एक दूसरे के समतुल्य हो जाते हैं। यह होता है आपके अंतर अवस्था में फिश। लेकिन बच्चों इसके बाद से देखेंगे कि जो आपका अंतर अवस्था होता है तो अंतर अवस्था में मुख्यतः तीन तरह की प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। पंच सूत्री अंतराकार प्रवस्था जिसको हम जीवन फेज बोलते हैं, और दूसरा है संश्लेषण प्रवस्था जिसको हम लोग एस फेज बोलते हैं, और तीसरा है पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकार प्रवस्था जिसको हम लोग जी टू फेज बोलते हैं। तो बच्चों इससे हम देखेंगे कि जो पहला होता है पंच सूत्री अंतराकार प्रवस्था यानी जीवन फेज, यह फेज जो होता है वह माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन और आपका जो डीएनए प्रतिकरण होता है उसके बीच की प्रवस्था को ये दर्शाने का काम करता है। और इस प्रवस्था में जो आपका जीवन फेज होता है इस प्रवस्था में कोशिका उपापचय होता है। कोशिका उपापचय की जो क्रिया होती है वो लगातार होती है, और उसके साथ साथ कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है वह वृद्धि भी लगातार होती है कोशिकाओं में बच्चों, और लगातार वृद्धि होने के बाद से आपका आता है एस फेज। तो बच्चों एस फेज या संश्लेषण प्रवस्था में क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवन फेज जो होता है जीवन फेज में डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती है, जबकि एस फेज में जो होता है डीएनए की प्रतिकृति होती है। और इसमें गुणसूत्र तो सेम संख्या में होते हैं लेकिन डीएनए की संख्या क्या होती है आपकी संतति कोशिकाओं या मातृ कोशिकाओं से दुगुनी हो जाती है। यानी अगर हम लोग 2C से अगर डीएनए की संख्या को डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बढ़ करके 4C हो जाएगा। जबकि अगर मध्यावस्था को बेटा फेज, पश्चावस्था को एना फेज और अंत्यावस्था को
के साथ साथ ये जो तारक होते हैं और कुछ तंतु मतलब ये कोशसूत्र के जो तंतु होते हैं ये मिलकर के समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। और उस समय जिस समय ये प्रोफेज अवस्था का लास्ट स्टेज होता है पश्चपूर्वावस्था या इसको हम लोग अंत्यपूर्वावस्था बोलते हैं, उस समय अगर कोशिका को हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखते हैं तो उसमें गार्गीकरण माइटोकांड्रिया जो ये सब यंत्र आपके होते हैं कोशिका में वो क्लियर और स्पष्ट नहीं दिखाई देते और उसमें दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ ये आपका हो गया प्रोफेज या पूर्वावस्था। अब हम लोग देखेंगे बच्चों मध्यावस्था या मेटाफेज। हम लोग देखेंगे मध्यावस्था या मेटाफेज स्टेट। यह कोश केंद्रक आवरण के कुल विभाजन के बाद से यह कोशिका विभाजन की द्वितीय अवस्था होती है। संसूत्री विभाजन में संसूत्री विभाजन की ये द्वितीय अवस्था होती है, सेकेंड फेज होता है। ये इसमें होता क्या है बच्चों कि गुणसूत्र जो होते हैं वह कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं और उसके साथ साथ जो आपके मध्यावस्था होता है इस मध्यावस्था में गुणसूत्र का जो गुणसूत्र होता है उसकी दो संतति अर्ध गुणसूत्र तैयार होता है और ये गुणसूत्र जो होगा वो दो अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साथ डबल या दो गुणसूत्र लगे हुए हैं जो आपस में क्या होते हैं गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं जिसको हम लोग कैरियोटो कोर कहते हैं। मतलब कि ये जो आपका गुणसूत्र है यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा छोटा पॉइंट पाया जाता है तो अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं ये दोनों मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं और ये क्या होते हैं कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। इसके बाद से जो ये संतति गुणसूत्र होते हैं इनमें जो कैरियोटोकोर होता है यहाँ से कर्क तंतु जो पतली सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जुड़ता है तो एक साइड में एक गुणसूत्र से क्या होता है एक साइड में कर्क तंतु जुड़ता है और दूसरी जो संतति गुणसूत्र होती है उसके दूसरे साइड में जो अपोजिट साइड में जो बिंदु पाया जाता है कैरियोटोकोर पॉइंट बिंदु वहां से आपका दूसरा क्या होता है कर्क तंतु जुड़ता है और दूसरे क्रम से फिर आपका यहाँ पे तारक है या फेंडोमियर से जुड़ता है। इसके बाद से जिस तल में आपके ये गुणसूत्र होते हैं तो मध्यावस्था आते आते ये क्या होते हैं मध्यावस्था की ओर परिवर्तन, यानी कि जब आपका मध्यावस्था स्टार्ट होता है तो आपके गुणसूत्र आपके कोशिका के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं लेकिन जो ही आपका मध्यावस्था आता है तो सारे गुणसूत्र जो होते हैं वह कॉन्स्टिबल यानी लीनियर इक्वेशन में एक लाइन में क्या होते हैं आ जाते हैं और एक लाइन में आने के बाद से इनका जो कर्क तंतु होता है एक जो होगा वो गुणसूत्र से जुड़ता है दूसरा उसके संतति गुणसूत्र से जुड़ता है और जुड़ने के बाद से क्या होते हैं एक सीधी सरल रेखा में आपके गुणसूत्र आ जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका बोलते हैं। यानी एक लाइन में आ गया है इसके मिडिल पॉइंट में आ जाता है कोशिका के मध्य भाग में तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका। अब देखते हैं विशेषता क्या है तो मध्यावस्था की या मेटाफेज स्टेज की विशेषता है कि जो कर्क तंतु होते हैं वह गुणसूत्र के कैरियोटोकोर से जुड़े होते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं जो ये कैरियोटोकोर बिंदु है यहाँ पे क्या होते हैं कर्क तंतु जुड़े होते हैं कैरियोटोकोर बिंदु से। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र जो होता है वह मध्य रेखा की ओर जा करके मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाता है और ध्रुवों से क्या होते हैं कर्क तंतु जुड़ जाते हैं। साइड में दो पोल देख रहे हैं हम लोग बीच में क्या होता है मध्य पट्टिका पर क्या होते हैं सारे गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं और एक साइड से क्या होते हैं ये आपके कैरियोटोकोर से सारे बिंदु जुड़ जाते हैं और कर्क तंतु भी जुड़ जाते हैं। कर्क तंतु यहाँ जुड़ने के बाद से बाद में क्या होते हैं आपके ध्रुवों पे आकर के एकत्रित हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका मध्यावस्था या मध्यावस्था में जो आपकी कोशिका होती है तो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है पहले तो वो मध्यावस्था की ओर रहेंगे तो अलग अलग एडेंडा पोजीशन में होंगे लेकिन बाद में क्या होते हैं वो मिडिल अवस्था में या इसके
पट्टी पे आ जाते हैं। ठीक ना बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अंत्यावस्था, ये रहा आपका मध्यावस्था, इसका आप लोग फिगर बना के नोट्स तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंत्यावस्था। तो बच्चों हम लोग पूर्वावस्था पढ़े, मध्यावस्था पढ़े। मध्यावस्था में हम लोगों ने देखा कि कोशिका द्रव्य में जो आपका गुणसूत्र होता है उसके साथ जो अर्धसंतति गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मध्य पट्टिका पर स्थित हो जाते हैं और उसके साथ साथ तर्क रूपी नलिकाओं से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अवस्था आता है एनाफेज या प्रावस्था। इसमें क्या होता है कि जो आपके संतति अर्ध गुणसूत्र होते हैं वे क्या होते हैं, किनारों पर आ जाते हैं। संतति अर्धगुण सूत्र क्या होते हैं, आधा होकर के और किनारों पर आ जाते हैं और उसके बाद से क्या होते हैं, अपना ध्रुवीकरण कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ आप लोग जैसा देख रहे हैं कि साइड में क्या है, ये सारे गुणसूत्र एकत्रित हो गए हैं एक साइड में और यहाँ पे सारे गुणसूत्र क्या है, एक साइड में एकत्रित हो गए हैं, बीच में आपका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है। इस पश्चावस्था में जो आपका विभाजन होता है गुणसूत्रों का, उसमें जो विशेषताएं हैं वो मुख्य है यहाँ पे कि गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाते हैं, यानी कि जो आपका ये गुणसूत्र बिंदु होता है बीच में जहाँ से हम लोग मध्यावस्था में देखें कि वहाँ पे तर्क रूपी नलिकाएं जुड़ी होती हैं, वो क्या होता है, अलग हो जाता है, विखंडित हो जाता है। और उसके बाद से आप विखंडित होने के बाद से आपके क्या है, जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं हाथ हाथ कि अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं और उसके साथ साथ अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, यानी अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या होते हैं, ये चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होता है कि अंत्यावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं ये अपना मूल रूप खो देते हैं और मूल रूप खोने के बाद से इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक ना, इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और इनकी जो मूल संरचना होती है, जो मूल रूप होता है वो खो जाता है। तो और उसके बाद से दोनों क्या होते हैं, अपने ये भी विपरीत जगहों पर ही स्थित होते हैं। तो इसमें विशेषताएं लिखेंगे, पहला विशेषता है कि गुणसूत्र जो होगा वो विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी जो अलग पहचान होती है पृथक्करण पहचान वो समाप्त हो जाती है। ठीक ना, और उसके बाद से गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और केंद्रक झिल्ली के निर्माण होने के बाद से बाकी की जगहों पे कोशिका द्रव्य में कोशिका के जो अन्य अंगक होते हैं, जैसे केंद्रिका हो गया, अंतद्रव्य जालिका हो गया और उसके बाद से गॉल्जिका हो गया, इनका निर्माण हो जाता है। तो बच्चों ये रहा आपके समसूत्री या सूत्री विभाजन के चार स्टेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इन चार फेज में आपका कोशिका विभाजन होता है। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है और उसके बाद से फिर देखेंगे सूत्री विभाजन की विशेषताएं या उसका महत्व। थैंक्स फॉर ऑल।